जो नेता गंदी नीच नजर वाले उनको ऐसे घूर के देखते जैसे कोई इंतजार नहीं। जेल पहुंचा दलितों को गाली देने वाला मौलाना। तेरे मुंह पे और महीने के 60 रुपए मारेंगे 2 रुपए रोज, लेकिन ये कचरे की उठा ले तू डाले। वाल्मीकि समाज को नीच कहने वाला अब मांग रहा माफी। बेखुद जानबूझकर नहीं, मेरी जबान से ऐसे शब्द ऐसे अल्फाज निकले। जातिवादी मौलाना पर चला कानून का डंडा। उससे कहेंगे कि हम पैसा भरते कचरे का टैक्स भरते, तेरे मुंह पे और महीने के 60 रुपए मारेंगे 2 रुपए रोज। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस घटिया आदमी का नाम है मौलाना शादाब खान। इसके नाम में मौलाना जरूर लगा है, लेकिन इसकी हरकतें घटिया जातिवादी गुंडों जैसी हैं। देखिए कैसे ये बेशर्मी से सफाई कर्मियों को नीच सोच का बता रहा है। चंदनगर में तमाशा नहीं होने देंगे, ना हम हमारी बहन बेटी बच्चियों को सुबह कचरा डालने देंगे। उससे कहेंगे कि हम पैसा भरते कचरे का टैक्स भरते, तेरे मुंह पे और महीने के 60 रुपए मारेंगे 2 रुपए रोज, लेकिन ये कचरे की उठाइए तू डालेगा, हमारी बहन बच्चियां कचरा उठा करके नहीं डालेगी। मैंने देखा है जब भाभियां बच्चियां माई बहनें जवान बेटियां कचरा डालती है ना, तो जब वो कचरा उठा करके डालती उनकी कमीज ऊंची हो जाती है, उनका पेट नजर आ जाता है, और वो जब मेहतर गंदी नीच नजर वाले उनको ऐसे घूर के देखते जैसे कोई इंतजार नहीं। इस बेशर्म आदमी का ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, हर कोई इसकी गिरफ्तारी की मांग करने लगा। बहुजन एक्टिविस्ट सूरज कुमार बोध ने इसका वीडियो ट्विटर पर शेयर किया, जिसके बाद तमाम लोगों ने इसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस और एससी कमीशन को टैग किया। सोशल मीडिया पर बहुजनों की एकता रंग लाई और अब ये घटिया सोच वाला आदमी सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। ये वीडियो एमपी के इंदौर का है। शहर के चंदन नगर पुलिस थाने में नगर निगम कर्मचारियों ने कल मौलाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। अब पुलिस ने मौलाना को गिरफ्तार कर लिया है। मामले ने तूल पकड़ा तो महतरों को नीच कहने वाला ये मौलाना मिमियाने लगा। हम समझा रहे थे कि हमारे घर में मुहर्रम की तैयारी करें, लेकिन इसी दौरान में जब समझा रहा था कि जब कचरा गाड़ी आपके घर के बाहर आए तो आपको माओ बहनों से कचरा नहीं डलाना है, आपको खुद कचरा डालना है, और इसे समझाने के दौरान बेखुद जानबूझकर नहीं, मेरी जबान से ऐसे शब्द ऐसे अल्फाज निकले जो हमारे सफाई कर्मी कचरा गाड़ी वाले भाई उनका यकीनन दिल तोड़ने वाले हैं, उनको ठेस पहुंचाने वाले हैं, चोट पहुंचाने वाले हैं, जिसके लिए मैं दिल से शर्मिंदा हूँ। मौलाना शादाब खान के बयान के विरोध में सफाई कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में एकजुट होकर थाने का घेराव भी किया और शादाब की गिरफ्तारी की मांग की। इसी के साथ चंदननगर क्षेत्र में सफाई कर्मियों ने सफाई का काम भी रोक दिया और सड़कों पर ही बैठ गए। सफाई कर्मचारियों ने चेतावनी दी थी कि जब तक मौलाना की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक पूरे क्षेत्र में सफाई नहीं की जाएगी। आखिरकार इस मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि ये वीडियो पिछले साल का है, लेकिन सामने अब आया है। ऐसी घटिया सोच की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।